नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश में पहली खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां पर बैंक के एक सुरक्षाकर्मी पर हमला हुआ है। उन पर गोली चलाई गई है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इसको देखते हुए वहां पर सुरक्षाकर्मी, जो घायल सुरक्षाकर्मी है, उसको लेकर तमाम तरीके से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें कि घायल सुरक्षाकर्मी पर हमला हो गया है। ये मामला जो है, ये खबर मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कोर्ट आईसीआई बैंक का है, जहां पर एक सुरक्षाकर्मी समुद्र सेन के बंदूक चलने के बाद वो खुद घायल सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। वहीं फायर की आवाज़ सुनने के बाद बैंक में अफरा तफरी मची हुई है, जिसके बाद बैंक कर्मचारियों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी थाना सिविल लाइन को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल अवस्था में पड़े सुरक्षाकर्मी समुद्र सेन को आनंद फानन में जिला अस्पताल के लिए भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर बताते हुए उसे मेरठ रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल सुरक्षाकर्मी कस्बा खतौली का रहने वाला है। सुबह करीब 9:15 बजे थाना सिविल लाइन को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि आईसीआईसीआई बैंक में जो कलेक्शन कैश डिपॉजिट मशीन है, उसके गार्ड को गोली लगी है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। अब तक की जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये गार्ड जो है वो कैश डिपॉजिट मशीन का की जो टीम है उसके साथ काम कर रहा था, और उसी की बंदूक से दुर्घटनावश उसी के द्वारा चली गोली से वो घायल हुआ है। इसके विस्तृत जाँच की जा रही है। घायल गार्ड को चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है, उसका इलाज चल रहा है। बाकी विस्तृत जाँच की जा रही है, जाँच में जो भी तथ्य प्रकाश। अगली खबर सिद्धार्थ नगर से आ रही है, जहां पर बीजेपी की बैठक हुई है। इस बैठक में जो कार्यकर्ता है, उन्होंने भव्य स्वागत किया है बीजेपी सांसद का। पूरी खबर जो है, जिसके मुताबिक आज बैठक हुई, इस बैठक के दौरान बीजेपी सांसद का स्वागत किया गया। सिद्धार्थनगर ज़िले के डुमरियागंज में बीजेपी की ये बैठक हुई। इस बैठक में शामिल होने आए बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और सांसद हरीश द्विवेदी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए, हमारे एजेंडे में मंदिर का निर्माण था और हमने पूरा किया। वहीं उन्होंने सपा के मुखिया पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि हम जिन्नावादी हैं, जिन्ना के रास्ते पर चलने का अखिलेश यादव ने संकल्प लिया। जिन्ना ने देश तोड़ने का काम किया था। और बीजेपी सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो काम जिन्ना ने किया वो हम करके दिखाएंगे। नहीं, किसी तरह भी सारा नहीं है। देखिए, हम लोग आज से तो कह नहीं रहे हैं, ये तो बहुत पहले से कह रहे हैं। हमारे एजेंडे में राम जन्मभूमि भी था, अयोध्या भी था, काशी भी, मथुरा भी था, तो कोई नई बात तो उन्होंने कहा नहीं। हम स्वाभाविक रूप से, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य निर्माण वहाँ पर लगभग पूरा हो चुका है, मथुरा का विकास हम कर रहे हैं, जो भी और आगे वहाँ का विकास हो सकता है। अगली खबर ताज नगरी आगरा से सामने आई है, जहां एक 6 साल की मासूम की दर्दनाक हत्या कर दी गई है। मासूम का पहले अपहरण किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। मासूम की दर्दनाक तरीके से, बेरहमी से हत्या कर दी गई है। गढ़ी दौलता में 6 साल की बच्ची की हत्या। देर रात शादी से समारोह से वो गायब हुई थी। बच्ची सरसों के खेत में बच्ची का शव मिला है। आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र में बच्ची समारोह से 6 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई। उसके बाद जहां दरिंदों ने मासूम को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हैवानों ने शादी से ही बच्ची का किडनैप किया था और गुरुवार को सुबह शादी के कार्यालय स्थल से करीब 300 मीटर की दूरी पर बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम सबूत इकट्ठा करने में जुटी है और पुलिस ने शव को फिलहाल अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम पे भेज दिया है। वहीं इस घटना के बाद बच्ची के घर में कोहराम और सन्नाटा पसरा हुआ है। दौलता गांव में खड़े हैं, थाना मलपुरा क्षेत्र के। एक बच्ची की डेड बॉडी यहाँ पर मिली थी। ये बच्ची एक शादी यहाँ पर हो रही थी, उसी में बच्ची शादी में थी और वहाँ से ये शाम को गायब हुई थी, रात को गायब हुई थी। जब घर वाले सुबह तक नहीं मिली तो पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस और गांव वाले सर्च ऑपरेशन चलाया, तो उसमें ये जो सरसों का खेत है उसमें बच्ची की बॉडी मिली। बच्ची की बॉडी को पंचायत में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें कुछ मर्डर के संबंध में कुछ क्लू भी मिले हैं, जिस पर टीमें रवाना की गई हैं। बहुत जल्दी अभी
अगली खबर पीलीभीत से आ रही है सामने, जहां पर भू माफियाओं का जो इन दिनों उत्पाद है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर डीएम ने यहां पर अपना शिकंजा कसा है। भू माफियाओं पर डीएम का शिकंजा पीलीभीत में साफ तौर पर नजर आ रहा है। भू माफियाओं का यहां पर तेजी से जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। खबर पीलीभीत से सामने आई, जहां शहर स्थित केजीएन कॉलोनी में कुछ जमीन सरकारी पर भू माफियाओं की नजर बड़ी दिन से थी, जिसको देखते हुए जिले के अधिकारी पुलकित खरे ने वहां पर जापानी पद्धति के तहत छोटे से क्षेत्र में वन संपदा का काम लगाने का शुरू किया, जिसको मियांकवादी पद्धति कहा जाता है, जो जापानी पद्धति है, जिसके तहत छोटी सी जगह में काफी सारे पेड़ लगाए जा सकते हैं। इसी पद्धति को लेकर डीएम ने एक छोटी सी पहल की और इसके तहत उन्होंने 1400 पेड़ लगवाए और उनका कहना है कि इस तरीके से पेड़ से जहां वन संपदा की बढ़ोतरी होगी, वहीं इससे ये फायदा होगा कि भू माफियाओं से ये स्थान सुरक्षित रहेगा। की वन करके एक नई विधि है, जिससे कम क्षेत्रफल में ज़्यादा पेड़ों को लगा के है जो शहर में पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उसको रोकने के लिए। इसको शहरी वनीकरण भी बोला जाता है और ये जापान की एक तकनीक है। इसको लाने का प्रयास करा गया है, क्योंकि हमारे तराई के इस जनपद में वातावरण और मौसम अनुकूल रहता है कि हर तरह के पेड़ यहाँ पर उग सकते हैं। इस तकनीक में खासकर पेड़ों को दो श्रेणियों में विभाजित करा जाता है, एक जो ज़्यादा ऊंचाई तक जाएं और कुछ पेड़ ऐसे जो कम ऊंचाई तक जाएं, और उसी हिसाब से कम क्षेत्रफल में ज़्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। तो इसका प्रयोग जनपद पीलीभीत में करा गया है और आज उसका मेरे द्वारा निरीक्षण करा गया। यहाँ लगभग 1400 पेड़ लगाए गए हैं वन विभाग द्वारा और ये पहला प्रयोग। अगली खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार की वजह से सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में महिला कांस्टेबल सहित 5 लोगों की जान चली गई। तेज हादसे की वजह से वहां पर महिला कांस्टेबल समेत 5 लोगों की जान चली गई। यमुना एक्सप्रेसवे के पास फिर एक बार ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें एक महिला कांस्टेबल सहित 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये हादसा थाना सुरीर क्षेत्र अंतर्गत माइलस्टोन 80 के पास का है। उस समय हुआ जब आगरा से नोएडा की ओर तेज गति से जा रही थी बुलेरो कार। चालक अचानक अपना नियंत्रण खो बैठा और बुलेरो पुलिया से टकराकर दो हिस्सों में बट गई। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक थाना बुडेरा जिले के टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हेड कांस्टेबल भवानी सिंह, रतिराम कांस्टेबल कमलेंद्र सिंह, महिला कांस्टेबल हीरा देवी, दबिश के लिए धर्मेंद्र निवासी पिसमारी बाग जिला ललितपुर और उसका साला रवि और प्राइवेट इलाक चालक जगदीश निवासी कुंडी खेड़ा थाना बुडेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के साथ बहादुरगढ़ हरियाणा की ओर जा रहे थे और उसकी बोलेरो सुबह करीब 4:30 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर 80 किलोमीटर पहुंचते ही पुलिया पर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में हेड कांस्टेबल भवानी सिंह, महिला कांस्टेबल हीरा देवी और प्राइवेट चालक जगदीश की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य लोग घायल पाए गए हैं। आज सुबह लगभग 6 बजे थाना सुरी क्षेत्रांतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे पर माई लोगों ने 80 के निकट एक बोलेरो वाहन डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई एवं 3 अन्य घायल हुए हैं। मृतकों में एमपी पुलिस के कुछ जवान एवं कुछ प्राइवेट व्यक्ति भी हैं, जिनके नाम हेड कांस्टेबल भवानी सिंह, कांस्टेबल कमलेंद्र, महिला कांस्टेबल हीरा देवी, प्राइवेट वाहन चालक जगदीश एवं जनता का व्यक्ति रवि जी है। तीनों घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है एवं नियमानुसार 100 का पंचायतनामा भर के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में जांच करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अगली खबर गाजियाबाद से सामने आ रही, जहां अपराधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यहां पर एटीएम चोर अपराधी जो है, जिस तरह से एटीएम चोरी करने की वारदात बढ़ रही है, उसको देखते हुए पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यहां पर पुलिस ने की गिरफ्त में अपराधी लगातार तेजी से धर फरोख चल जारी है। पुलिस ने
गाजियाबाद में पुलिस ने अपराधियों की पकड़ के लिए एक अभियान चलाया है, जिस अभियान के तहत गाजियाबाद के कोतवाली नगर पुलिस क्राइम ब्रांच और एसपी सिटी की सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मोबाइल दुकानों के ताले तोड़कर मोबाइलों को चोरी करने वाले और एटीएम तोड़कर चोरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें चार अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। वहीं पकड़े गए चारों अभियुक्त मुंबई, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर के बताए जा रहे हैं। मोबाइल की दुकानों को निशाना बनाकर शटर तोड़कर मोबाइल की चोरी किया करते थे और उस पर लगे सीसीटीवी कैमरों और डीवीआर को ध्वस्त किया करते थे, जिसके बाद से पुलिस ने दो चोरी के मोबाइल, एक सैमसंग टैब और 4 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के नवयुग मार्केट में कुछ दिनों पहले मोबाइल की एक दुकान काटकर कुछ चोरों ने मोबाइल चोरी कर लिए थे। इसी के अनुक्रम में पहले भी गिरफ्तारियां की गई थी। कल दिनांक 1 को इसी के अनुक्रम में 4 अभियुक्त और गिरफ्तार करे गए हैं, जिनके पास से 2 वीवो मोबाइल फ़ोन, एक चोरी हुआ सैमसंग का टायर एवं चोरी के मोबाइल को बेचकर जो 4 लाख रुपये नकदी इन्होंने इकट्ठे करी है उसकी बरामदगी हुई है। सभी चारों अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। खबर बहराइच से है, जहां पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। खेल स्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया गया है। इस आयोजन में सांसद लोग मौजूद थे। तमाम तरीके से ये खेल प्रतियोगिता और खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस तरह की प्रतियोगिताएं आए दिन यहां आयोजित की जाती है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रतीक भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया फिट इंडिया योजना के क्रम से सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं को निखारने, उनके कौशल को बढ़ावा देने का एक सुनहरा अवसर है, जहां सरकार ने देश के सर्वांगीण विकास के साथ साथ खेल के मैदान में भी उपलब्धि हासिल करवाई, जिसकी जीती जागती मिसाल टोक्यो ओलंपिक है। उन्होंने कहा कि जापान में देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया और वहीं प्रदेशों में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ध्यानचंद के नाम से मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जा रही है। वहीं खेल स्पर्धा के सफल आयोजन के सभी संबंधितों को बधाई देते हुए प्रतियोगिता में शामिल होने वाले तमाम खिलाड़ियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी और अच्छी खेल भावना के साथ शामिल होने की सीख भी दी। जब आदमी औरत सड़क पे सुरक्षित नहीं थे, तब हीरो हीरोइन बुलाकर वो नाच करा रहे थे, उसको कोई नहीं पूछ रहा, ऐसा उनको लगता है। ऐसे कार्यक्रमों की वजह से ही उनकी बत्ती गुल हुई। बत्ती गुल तो सारे जिले में भी थी, केवल 4 जिले में बत्ती जलती थी, बाकी सब जगह बत्ती गुल थी और इन्हीं सब जगह कार्यक्रम होता था। आज उत्तर प्रदेश में अगर गांव के लड़के, गरीब घर के लड़के अगर खेल करना चाह रहे हैं, उनके इकट्ठा करके उनके मनोरंजन और व्यायाम और भोजन के बारे में कोई एक संदेश देने के लिए कोई चर्चा करना चाह रहा है, तो उनको तकलीफ हो रही, क्योंकि इनको तो केवल एक क्षेत्र के बारे में चर्चा अच्छी लगती है और क्षेत्र तो इनके लिए डार्क जोन है, तो इनको बहुत बुरा लगेगा कार्यक्रम, इनको हर कार्यक्रम बुरा। जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने हत्या के आरोप में तमाम जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया है। खबर संभल से सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके हत्या के तमाम आरोपियों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया। जिला संबलपुर के रजपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या का बड़ा खुलासा किया है। संबल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने हथियारों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला संबल के रजपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम महुआ हसनगंज का है, जहां झोपड़ियों में एक युवती का शव बरामद हुआ है और शव के पास ही एक तमंचा भी नजर आ रहा है। युवती के पिता रमेश ने बताया कि उनके एरिया का रहने वाला कुलदीप सिंह जिसके बाद कुलदीप सिंह ने पुलिस टीम को विवेचना के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त अमित कुमार नूरपुर तिहारे से गिरफ्तार किया है और अभियुक्त की निशानदेही वाली घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और महुआ हसनगंज के पास झोपड़ियों से मृतका का पर्स भी बरामद किया है। थाना रजपुरा के अंतर्गत ग्राम महुआ हसनगंज के पास में 25 तारीख को एक युवती का शव बरामद हुआ था, जिसके सिर पर तथा गले पर चोट के निशान थे। लड़की के पिता की तहरीर पर उसके
जानने वाली एक व्यक्ति के विरुद्ध FIR पंजीकृत किया गया था। मामले में जब पुलिस की तरफ से विस्तृत जांच की गई तो इसमें कुछ साक्ष्य ऐसे मिले जिनसे यह सिद्ध हुआ कि लड़की की हत्या लड़के के भाई अमित कुमार ने की है। इस मामले में अमित कुमार को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित कुमार के और लड़की के मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड को भी चेक किया गया और उसमें ऑडियो क्लिप भी मिली है जिसमें घटना के समय मारते समय की ऑडियो है जिससे लड़की के चिल्लाने और उसके बचाने की जो उसका प्रस्तावना थी उसकी आवाज़ आ रही है। इसी आधार पर आला कत्ल जो सिर पर चोट करके हथियार से मारा गया था उसको भी बरामद किया गया है और इसको आज माननीय न्यायालय भी। खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है जहां आवारा पशुओं को लेकर प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है। आवारा पशुओं को लेकर यहां पर एक बड़ी पहल की गई है। मामला फिरोजाबाद से सामने आ रहा है जिसको लेकर आवारा पशुओं को लेकर यहां पर पूरी तरह से जो प्रशासन है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के कारण हर रोज तमाम तरीके के हादसे होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे अधिक गौवंश सिरसागंज थाना क्षेत्र से गुजर रहे हाईवे पर ये पूरे हादसे दिखाई देते हैं जहां गौवंश आए दिन किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वहीं दूसरे तरफ ये गौवंश हादसे का कारण भी रहे हैं जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने इन्हें पकड़वाने की मांग की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही जिससे वो लोग परेशान हैं। किसानों ने इन आवारा पशुओं को एक सरकारी अस्पताल में बंद कर दिया है। गाय हैं करीब 100-125 गाय और लगभग 5-7-8 बीघा मेरा खेत है और गायों ने बिल्कुल एक दिन में सवा चट कर दिया है। अच्छा। और बहुत परेशान है तो एक जगह इकट्ठी कर दी है। अच्छा। तो मतलब सरकार हमारी मांग को सुने और इन गायों को कहीं एक मतलब सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। कहाँ इकट्ठी करी है जे? ये कोटला के पास एक हॉस्पिटल है उसमें गाय। अगली खबर संभल से सामने आ रही है जहां पर बारातियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने इसको लेकर तमाम तरीके से पुलिस भी एक्टिव मोड पर नजर आई है। मामला सड़क से निकलते हुए रिक्शे वाले के इस दौरान पुलिस एक्टिव मोड पर नजर आई है। रामपुर से संभल विक्रम पैलेस में अचानक से मारपीट की वारदात सामने आई जहाँ बारातियों और स्थानीय निवासियों के बीच अचानक से मारपीट हो गई। वहीं सूचना मिलती है पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के विक्रम जो है बारात पे हमला कर दिया था क्योंकि मेरे एक दोस्त की जो चोट भी लगी है स्थानीय रिक्शा वाले के बीच मारपीट की वारदात हो गई। उसके बाद दुर्गा कॉलोनी निवासी महिला कविता ने मारपीट करने के साथ कई आरोप लगाए हैं जबकि आरोप लगने पर रामपुर निवासी रवि भटनागर ने बताया कि महिला ने जो मारपीट करने का उन पर आरोप लगाया वो बिल्कुल गलत है बिल्कुल जबकि स्थानीय निवासियों ने हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़े प्लस फ्रंट और बैक। संभल कोतवाली के अंतर्गत कल अगली खबर गोरखपुर से सामने आ रही है जहां पर एक विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस दौरान वो जाम में फंसे हुए थे तब से ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरा वीडियो ट्रैफिक जाम को लेकर है जो विधायक का वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जहां पर जानकारी के मुताबिक नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल मानबेला क्षेत्र में सतेंद्र जायसवाल के घर एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। जब कार्यक्रम से अपने घर की तरफ लौट रहे थे तो मानबेला में लंबा जाम लगा हुआ पाया जिसके चलते आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका था। वहीं जाम में फंसे नगर विधायक ने जाम लगने की वजह को ढूंढना शुरू किया तो मालूम हुआ कि मानबेला में एक ट्रक के बीच रास्ते में खराब होने की वजह से ये पूरा जाम लगा है जिसकी वजह से पूरा जाम बहुत देर तक जाम लगा रहा। इसी बीच नगर विधायक को ऐसा करता हुआ देखा गया कि ट्रक को उनको धक्का देना उन्होंने शुरू किया। कुछ ही देर बाद नगर के विधायक ने लोगों के सहयोग से ट्रक को धक्का देकर किनारे कर दिया जिससे कि कुछ ही देर में जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल गया और आवागमन सुचारू रूप से फिर से चालू हो गया। वहीं विधायक की इस कार्य को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया जिसके बाद ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। खबर उन्नाव से सामने आ रही है जहां पुलिस ने मुठभेड़ में अपराधियों को धर दबोचा है और उन्हें मार गिराया है। उन्नाव में अपराधियों को लेकर पुलिस की जो कार्रवाई है वो अलर्ट मोड पर जारी है। पुलिस ने यहां पर अब 3 अपराधियों को
पुलिस कार्रवाई में मार गिराया है। उन्नाव में बुधवार को महिला को तमंचा लगाकर मोबाइल लूटने वाले तीन लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जहां पुलिस ने तीनों के पास महिला के लूटे हुए मोबाइल साथ साथ तमंचा, कारतूस और घटना के प्रयुक्त बाइक को बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों पर लूट समेत कई मुकदमे दर्ज किए हैं। वहीं खुलासा करने वाली टीम को 5,000 का इनाम भी दिया गया। पुलिस लाइन में पत्रकारों से बातचीत में एसपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि असोहा के चंदन खेड़ा निवासी चंदा पत्नी सुमिति बुधवार को मनरेगा में मजदूरी करने साइकिल से जा रही थी, तभी पहाड़पुर मोड़ से पहले अजयपुर गांव के पास बाइक सवार तीन लुटेरों ने उसे रोका, तमंचा लगाकर मोबाइल लूट लिया और पुलिस ने मोबाइल को सर्विलांस पर रखा। लुटेरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। एसओ राम्स असेर चौधरी ने इसको लेकर बताया है कि उन्होंने तीनों अपराधियों की कैसे घेराबंदी की और फिर उसे कैसे दबोचा। 1 तारीख को एक महिला के साथ जो है तीन लड़कों ने उसको रोक करके उसको मोबाइल छीन लिया था, और इस सूचना पर जो है हमारी पीआरपी और थाने के असोहा की पुलिस ने घेराबंदी करके इन लड़कों को गिरफ्तार किया, तो उनके कब्जे से एक मोबाइल बरामद हुआ, 2 लोडेड तमंचे बरामद हुए और इनके जो मोटरसाइकिल थी उस पर भी इन्होंने प्लेट जो है वो खुर्ची हुई प्लेट थी वो कब्जे। खबर ताज नगरी आगरा से है, जहां शादी में उस वक्त मातम पसर गया जब तमाम तरीके से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, और उसके बाद यहां पर शादी समारोह में मातम पसर गया। यहां पर कुछ लोगों के घायल और मरने की खबर भी सामने आ रही है। एक मैरिज होम में आधी रात को शादी समारोह में घराती और बराती पक्ष के कुछ युवक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। इसमें बीच बचाव कराने आए दूल्हे के पड़ोसी की मौत हो गई, जिसमें शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई और मौके पर जब पुलिस पहुंची तो झगड़ा करने वाले वहां से भाग चुके थे। मृतक के स्वजन ने फिलहाल किसी के खिलाफ तहरीर नहीं दी है। वहीं शादी समारोह में शामिल होने आए लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। वहीं बारात में आए अधिकांश लोग विवाद की आशंका पर समारोह से चले गए। वहीं घटना की जानकारी होने पर मनोज के स्वजन भी मैरिज होम पर पहुंच गए और उन्होंने पुलिस को बुला लिया। वहीं इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह का कहना है कि मनोज की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। ठीक है, तो उसमें शादी थी, वहाँ से मेरे बाबा और मैं घर पे ही थे, वहाँ से फ़ोन आया कि लड़ाई हो गई है, तो हम लोग गए कि हम जाके, बड़े भाई का फ़ोन आया कि आप जाके उसको ले आओ छोटे भाई को, तो हम लोग गए कि उसने बोला फिर वहाँ पे जाके कि इसने ना मेरे को थप्पड़ मारा, तो मैंने कहा ठीक है, हम भाग ही थे शादी से, तो हम गए, मैंने कहा क्या बात हो गई, किससे बात हो गई, और हम बात करने लगे, तो मैंने कहा कि वहाँ पर जिनकी शादी थी वो लोग बोलने लगे कि देखो अभी जाओ, मैंने कहा मैं बस एक बार देखना चाहती हूँ क्या बात हुई कि आगे बात ना बढ़े। इतनी देर में मैं तो अंदर थी, इतनी देर में मेरे पापा ताऊ जी व मेरे दोनों भाई पीछे थे और उन पर वहाँ पर पूरी पब्लिक ने अटैक कर दिया। खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पहले युवती लापता हुई, उसके बाद युवती का शव पाया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। पूरा माहौल जो था चारों तरफ मातम पसरा हुआ दिखाई दिया। युवती कानपुर के गंगा बैराज में युवती का शव मिलने से अचानक सनसनी मच गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नौमस्ता इलाके से संदिग्ध परिस्थितियों में पहले युवती लापता हुई। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की, जिसके बाद मंगलवार को युवती का शव गंगा किनारे पाया गया। पुलिस की जाँच पड़ताल में सामने आया कि सोमवार देर शाम प्रेमी युगल गंगा बैराज में देखे गए, जिसके बाद युवक अभी भी लापता है। वहीं देर शाम तक युवती की तलाश होती रही, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने बताया कि युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। धन्यवाद।